वेलकम फ्रेंड्स, जब भी हम पराठा बनाते हैं या भाकरी बनाते हैं तो हमारा लोहे का तवा अक्सर जल जाता है और उसमें साइड में एक लेयर आ जाती है। फिर ये आसानी से साफ नहीं होता है, हमें इसे बहुत घिसना पड़ता है और घिसते घिसते हमारे हाथों में दर्द हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। आप ये कुछ ट्रिक्स अपना कर अपने तवे को साफ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए अब हम अपना तवा साफ करते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा रख दिया है और हमने तवे पर पानी डाल दिया है। अब हमें एक नींबू को कट करके आधा नींबू इसमें निचोड़ देना है और नींबू निचोड़ने के बाद जो छिलका बचेगा वो भी हमें इसी में ही डाल देना है। मेरा नींबू थोड़ा ज़्यादा गल गया था तो मैंने नींबू को इसमें डाल दिया है। हमें तवे पे जो पानी डालना है वो कोशिश करें कि तवा हमारा पूरा कवर हो जाए इस पानी से। बस हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना ये सारा पानी बाहर आ जाएगा जब ये बॉइल्ड होएगा। तो फ्रेंड्स, नींबू का छिलका डाल दिया है। अगर आपके पास यूज्ड छिलके पड़े हों तो आप उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, अब धीरे धीरे पानी गर्म होने लगेगा। मैंने चाकू की हेल्प से इस नींबू को तवे पर रगड़ दिया है। हमें इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ नींबू की ही ज़रूरत पड़ेगी, किसी और की ज़रूरत हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो आधा बचा हुआ नींबू था उसको भी ले लिया है और धीरे धीरे उसको भी रगड़ना शुरू कर दिया है। नींबू से क्या होगा कि जो चिकनाई है वो हटने लगेगी। नींबू क्या है, चिकनाई की काट के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो पराठा बनाते टाइम या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते टाइम जो हमारा तवा चिकना हो जाता है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसको काटने के लिए नींबू बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में कहीं से भी कोई ऐसी एडिटिंग नहीं की है जिससे आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो। मैंने ये वीडियो जैसी थी वैसे की वैसी ही रखी है जिससे आप समझ जाएं कि मेरे को कितना टाइम लगा, और साथ ही नींबू के अलावा मैंने और भी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं डाली है। सिर्फ मैंने कैमरे का एंगल टाइम टू टाइम चेंज किया है। देखिए, करते करते 2 मिनट हो गए थे, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। चाकू की हेल्प से थोड़ा सा साइड से खुरच दूंगी क्योंकि जो लेयर है वो हमारी फूल चुकी है, तो ये आसानी से ही चाकू की हेल्प से हट जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं खुरचना है, सिर्फ नींबू को रगड़ते रगड़ते इसको साफ़ कर देना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी थोड़ा सा कम है तो मैं पानी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दूंगी जिससे कि तवा मेरा लगभग लगभग पूरा सा कवर हो जाए। अब पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। मुझे 10 मिनट लगे पानी को ठंडा करने के लिए जिससे कि मैं हाथ से नींबू हटा सकूं और हाथ से इस तवे को टच कर सकूं। चलिए, पानी ठंडा हो चुका है, अब मैं ये नींबू हटा देती हूं और ये पानी भी हम गिरा देंगे। हमें अब इस पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने पानी को गिराया आपको ये साफ पता चली गया होगा कि जहाँ जहाँ तक पानी था वहाँ तक ये तवा अच्छे से साफ़ हो गया है। चलिए अब इसको साबुन से भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हल्का सा हम साबुन से इसको साफ़ करेंगे क्योंकि जो नींबू है और जो हमारा मैल फूल चुका है उसको हम हटा सकें। मैंने इस तवे को हल्का सा साफ़ करने के लिए सिर्फ जो साबुन आती है जो विम बार है वो ली है, और साथ ही स्टील वाला जो जूना होता है जो स्क्रब होता है वो लिया है, उसको सिर्फ थोड़ा सा ही रगड़ा है। और अब मैं अपने तवे को पानी से अच्छे से धो लूँगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद साइड में थोड़ा सा रह गया है और पीछे मैंने साफ़ नहीं किया है, उसे भी साफ़ कर लेती हूँ और अब पानी से वॉश कर लेती हूँ। ये हमारा लोहे का तवा है, तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप इसको अच्छे से वॉश करें तो एक बार सूखे कपड़े से इसको ज़रूर वाइप करें क्योंकि जंग लगने का खतरा अक्सर रहता है हमारे लोहे के तवे में। जिस तरह हम कोई भी चीज़ मार्केट से लेके आते हैं तो हर उस चीज़ की एक मेंटेनेंस होती है, हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरह लोहे के तवे को भी जब भी आप वॉश करें तो उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ कर ही रखें। एक टिप और मैं हल्की सी आपको यहाँ देना चाहूँगी कि आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगा कर तवे को छोड़ दें। अगर आप 2-3 दिन के लिए तवा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हल्की सी एक लेयर ऑयल की लगाकर और हल्का सा उससे टिश्यू पेपर से वाइप करके उसके बाद ही इसको रखें। आपका तवा हमेशा इसी तरह साफ रहेगा। अक्सर लोग लोहे के तवे को साफ करने के लिए उसे इतना घिसते हैं कि उसका जो बेस है वो घिसते घिसते पतला हो जाता है और वो गैस पे रखते ही जलना शुरू कर देता है, तो हमें तवे को घिसने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो देखा ना फ्रेंड्स,
हमने किस तरह झटपट अपना तवा बिल्कुल साफ कर लिया है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सिर्फ एक चीज़ से ही हमने अपना लोहे का तवा चमका दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।